छतरपुर में उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन विभाग के द्वारा वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा 15 दिसंबर तक तय की गई है। समय सीमा समाप्त होने के बाद बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट वाहनों पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। परिवहन अधिकारी विक्रमजीत सिंह ने बताया कि HSRP नंबर प्लेट को देश भर में परिवहन विभाग के द्वारा वाहनों के लिए लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं जिन वाहनों में HSRP नंबर प्लेट नहीं लगा होगा उन वाहनों पर 15 दिसंबर के बाद चालानी कार्रवाई की जाएगी। देखिए क्या है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में 2019 के पश्चात जिन भी वाहनों का पंजीयन हो रहा था उनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाए जाने का प्रावधान किया गया है, और उन वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अब डीलर के द्वारा ही लगाई के दी जा रही थी। 2019 के पश्चात जो भी वाहन अब आप अगर उठाते हैं नए वाहन, उन सभी वाहनों पर डीलर के द्वारा हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगा करके दी जा रही थी, परंतु उससे पूर्व के जितने भी वाहन थे उनके ऊपर अभी वर्तमान में कोई ऐसी एजेंसी ना होने के कारण उन वाहनों पे हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लग रही थी। अभी शासन से ऐसा आदेश प्राप्त हुए हैं हमें कि 15 दिसंबर तक सभी लोगों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट पुराने वाहनों पे भी लगवानी है। अब इसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि जो भी पुराने वाहन हैं उन सभी वाहनों के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर के द्वारा अधिकृत किए गए डीलर्स हैं, जो भी डीलर्स हैं वो डीलर्स जिस कंपनी का वाहन है उसी कंपनी उस कंपनी के डीलर के पास में आवेदक जाएगा और वहाँ पे अपनी ऑनलाइन फ़ीस जो है वो जमा करेगा दो पहिया चार पहिया वाहन के लिए, और फीस जमा होने के पश्चात में उनको निर्धारित समय अवधि में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है वो डीलर के द्वारा ही उपलब्ध करा दी जाएगी। और यदि वो वहाँ नहीं भी जाता है तो वो अपने घर बैठे भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है संबंधित डीलर के पास में, और जैसे ही ऑनलाइन आवेदन उसके पास जाएगा और फिर वो प्लेट वहाँ प्राप्त कर सकता है भुगतान करने के पश्चात, निर्धारित शुल्क देने के पश्चात। और यदि इसमें इस प्रकार की कोई भी उनको समस्या आती है, किसी भी व्यक्ति को इसमें कोई समस्या आ रही है कि किस डीलर के यहाँ संपर्क करें, क्या है क्या नहीं है, तो वो RTO कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं, तो हम उनको सारी जानकारी उपलब्ध करा देंगे।